धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। इस दिन यमदेव का भी ध्यान किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर के कोनों में दीपक जलाने से नकारात्मकता खत्म होती है, साथ ही कुछ अन्य दिशाओं में दिया रखने से तरक्की में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। तो क्या है दीपक जलाने का सही नियम, आइए आपको बताते हैं। धनतेरस के दिन दीपक हमेशा सरसों के तेल में जलाएं, साथ ही इसमें काले तिल डालें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म होगी। पहला दीपक यम के नाम का जलाना चाहिए, इसे घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर रखें। दूसरा दिया पूजा स्थान पर रखना चाहिए, हालांकि ये शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। इस दीपक में थोड़ा सा केसर डालने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अगर नजर दोष के कारण आपके परिवार की तरक्की नहीं हो पाती तो धनतेरस के दिन तीसरा दिया घर के मेन गेट पर रखें। धनतेरस की शाम को घर पर तुलसी के पौधे पर दिया रखना भी शुभ माना जाता है, इससे घर में समृद्धि आती है। धनतेरस पर एक दीपक घर की छत पर रखना चाहिए, सभी तरह का दोष दूर होता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।